Hello kids, welcome to our next lecture of SS. Today we will solve some true or false exercise of chapter 2, Home and Around in our notebook. So open your notebook. Chapter 2, Home and Around. Write T for true and F for false. आपको यहाँ पे जो ट्रू स्टेटमेंट है उसको टी लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट है उसको एफ लिखना है. फर्स्ट, आवर होम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन एंड स्टॉर्म. तो क्या हमारा घर हमें बारिश और तूफान से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है? यस, आवर होम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम rain and storm. This statement is right statement. So we have to write here T. Next, all houses are made up of the same things. क्या सारे घर same things में same चीजों से बनते हैं? जैसे कि हमने चैप्टर में सीखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. कच्चा हाउस मेड अप ऑफ मड, वुड, स्ट्रॉ एंड पक्का हाउस मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड. तो ये दोनों चीजें हैं वो अलग अलग चीजें हैं. सो ऑल हाउसेस आर मेड अप ऑफ द सेम थिंग. सारे घर एक ही चीजों से बनते हैं? नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. सो ऑल हाउसेस आर मेड अप ऑफ द सेम थिंग्स, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. सो वी हैव टू राइट हियर एफ. देन नेक्स्ट, वी स्लीप एंड रेस्ट इन किचन. फर्स्ट टेल मी, व्हाट डू वी डू इन किचन? किचन में हम क्या करते हैं? आवर मदर कुक फूड इन द किचन. हमारी मम्मा किचन में खाना बनाती है. देन वेयर डू वी स्लीप एंड रेस्ट? हम आराम और सोते कहाँ पे है? यस, वी स्लीप एंड रेस्ट इन आवर बेडरूम. सो वी स्लीप एंड रेस्ट इन किचन, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. सो वी हैव टू राइट हियर F. Next, every house is special to the people who live in it. हर घर उसमें रहने वाले लोगों के लिए स्पेशल होता है? Yes, every house is special to the people who live in it. This is right statement. So we have to write here T. Next, kachcha houses are made of bamboo and straw. Yes, this is right statement. So we have to write here T. So kids, this true false exercise are your today's homework. And yes, you have to write this in good handwriting.